मुमताज अहमद तार्ड मंडी बहावुद्दीन का अजीम सियासी रहनुमा, मंडी बहावुद्दीन की वाहिद शख्सियत जिसे सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुमताज अहमद तार्ड ने इब्तदाई तालीम मंडी बहावुद्दीन से हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से LLB की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत का पेशा इख्तियार किया। 1980 में उन्होंने कानून की आला तालीम के लिए अमरीका की रियासत फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में दाखिला लिया। आपने हेनरी जॉर्ज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से ग्रेट डिसीजंस और इकोनॉमिक्स में कंप्लीशन और सर्टिफिकेट्स हासिल किए। वाशिंगटन कॉलेज ऑफ लॉ अमेरिकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉलैंड से लॉ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन में डिप्लोमा हासिल किया। मुमताज तारिड ने 1977 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भरपूर हिस्सा लिया। मंडी बहावुद्दीन में सबसे पहले जुलूस की क़यादत करते हुए पुलिस फोर्स के साथ तसादों में लाठी चार्ज की वजह से शदीद जख्मी हुए। इस तहरीक के दौरान जिला गुजरात और मंडी में सबसे पहला खून मुमताज तारिड के सर से ही निकला। आपको जख्मी हालत में गिरफ्तार करके 3 माह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात बंद कर दिया गया। इस दौरान आपके वालिद भी इंतकाल कर गए। जेल में होने की वजह से मुमताज तारिड अपने वालिद के जनाजे में भी शिरकत ना कर सके। 1977 में मंडी बहावुद्दीन में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज करते हुए मुमताज अहमद तारिड जुमे की नमाज के बाद कुरान मजीद गले में डालकर मदनी मस्जिद से बाहर निकले तो हजारों का इज्तमा था। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। मुमताज तारिड आगे बढ़े ताकि नौजवानों को वहां से बचाया जा सके। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ तसादम हो गया। मुमताज तारिड ने जज्बात में आकर DSP को थप्पड़ मारा, जिस पर उन्हें चारों तरफ से घेरकर अलहदा करके जबरदस्त लाठी चार्ज का निशाना बनाया गया, जिससे मुमताज तारिड शदीद जख्मी हुए। सर से खून निकलकर कुरान पाक पर भी गिरा। हजारों नौजवानों ने यह वकूआ अपनी आंखों से देखा। उस वक्त मुमताज तारिड की उम्र 32 साल थी, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया और डॉक्टर को बुलाकर मरहम पट्टियां की गई। दूसरे दिन गुजरात जेल भेज दिया गया। उसके बाद जबरदस्त तहरीक चली। मंडी बहावुद्दीन के 350 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दी और उन्हें गुजरात जेल में ही बंद कर दिया गया। मुमताज तारिड डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में 3 माह की सजा मुकम्मल करने के बाद जब रिहा हुए तो जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया हुआ था। मार्शल लॉ की मुखालफत करने पर एक दफा फिर मुमताज तारिड को फरवरी 1980 में मार्शल लॉ आर्डर 12 के तहत गिरफ्तार करके 1 माह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात बंद कर दिया गया। 1 माह के बाद सुपरिंटेंडेंट जेल ने दफ्तर बुलाकर कहा कि मार्शल लॉ की मुखालफत ना करने के बयान हल्फी पर दस्तखत कर दें तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। मुमताज तारिड के इनकार पर उन्हें मजीद 1 माह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम में बंद कर दिया गया। वहां ऐसी कोठरी में रखा गया जिस जगह फांसी वाले मुजरमों को रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम में 1 माह की कैद मुकम्मल होने के बाद सुपरिंटेंडेंट जेल और पुलिस हुकाम ने मुमताज तारिड को रिहाई के लिए दोबारा मार्शल लॉ की मुखालफत ना करने के बयान हल्फी पर दस्तखत करने को कहा और धमकी भी दी कि इनकार की सूरत में उन्हें तैयारा केस में मुलविस कर दिया जाएगा। याद रहे कि उन्हीं दिनों में PIA का तैयारा अगवा करके काबुल उतारा गया था। मुमताज तारिड के इनकार पर उन्हें मजीद 1 माह के लिए उसी जेल में बंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम के पानी में कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से मुमताज तारिड के गुर्दे में पथरी बन गई और रात को शदीद दर्द शुरू हो गया। जेल में डॉक्टर मौजूद नहीं था, तमाम रात तकलीफ में ही गुजरी। दूसरे दिन डॉक्टर ने टीका लगाया। 15 दिन के बाद दोपहर को दोबारा दर्द शुरू हो गया। इस रोज भी हस्बे मामूल वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था। कुछ दिनों के बाद शुगर की बीमारी लाहक हो गई। बिलाखर 3 माह की कैद मुकम्मल करने के बाद रिहाई मिली। गुजरात और जेहलम की जेलों में 3-3 माह रहे, मगर अभी मंडी बहावुद्दीन और टोबा टेक सिंह की जेलें उनका इंतजार कर रही थी। वाज़े रहे कि मुमताज अहमद तारिड को तहसीलदार की नौकरी की भी पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये बात कहकर ठुकरा दी कि मैं अपने हलके की आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। हालांकि इस दौर में तहसीलदार की नौकरी की बहुत वैल्यू थी। हक और सच की बात पर मुमताज अहमद तारिड डट जाते हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि एजाज चौधरी के खिलाफ जाली डिग्री की बात पर केस लड़ा और केस जीत गए और फिर 2015 के इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। केस बड़ा ही दिलचस्प था। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने एजाज चौधरी के वकील को कहा
कि मान लिया एजाज चौधरी ने डिग्री बाहर के मुल्क से ही की है, आखिरकार एजाज चौधरी इस दौरान बाहर के मुल्क तो क्या होगा, वो पासपोर्ट ही दिखा दें जिस पर वीजा स्टैंप लगा हो। एजाज चौधरी का वकील वो पासपोर्ट ना दिखा सका, इसी बात पर केस का फैसला हो गया। 1985 का इलेक्शन मुमताज तारिर ने उस वक्त के गुजरात के दोनों ग्रुपों चौधरी शुजात और नवाबजादा ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ आज़ाद हैसियत से लड़ा और जीत भी गए। जिला गुजरात की तारीख में इलेक्शन लड़ने वाले हर उम्मीदवार को किसी न किसी ग्रुप का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन मुमताज अहमद तारिर ने ये रवायत तोड़ी। 1985 में मुमताज अहमद तारिर ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब होने के बाद मार्शल लॉ के खिलाफ सबसे पहली आवाज मुमताज अहमद तारिर ही की थी। उन्होंने कौमी असेंबली के पहले इजलास में पहले रोज मार्शल लॉ के खिलाफ सबसे पहली तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी, जिसके नतीजे में मुल्क से मार्शल लॉ हटाने की राह हमवार हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को कौमी असेंबली में मुल्क से मार्शल लॉ उठाने की तारीख का बिल आखिर ऐलान ही करना पड़ा। मुमताज अहमद तारिर 1985, 1988, 1997 और 2015 के इलेक्शन में चार दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतहब हुए। आप 1985 के इलेक्शन में ओपोजिशन के जनरल सेक्रेटरी, जबकि 1997 के इलेक्शन में चेयरमैन वफाकी एहतसाब कौंसल, वफाकी खिदमत कौंसल, वजीर ममलकत और वजीर आजम के मुआवन खसूसी भी रहे। 2015 के इलेक्शन के बाद आप वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक रहे। मंडी बहावुद्दीन को जिला का दर्जा दिलाने की तहरीक सबसे पहले 1970 में मुमताज अहमद तारिर ने ही शुरू की। इस तहरीक को तकवीयत देने के लिए मंडी बहावुद्दीन में एक जबरदस्त जुलूस निकाला, जिसे पीटीवी के रात 9 बजे के खबरनामे में तफसील के साथ दिखाया गया। मुमताज अहमद तारिर ने दो मरतबा अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि इंसानी हकूक कौंसल पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से अक्वामे मुत्तहिदा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंसानी हकूक की बैन अल-अक्वामी कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आपने अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, मगरबी जर्मनी, जापान, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, सिंगापुर, पोलैंड, भारत, श्रीलंका, फिलीपाइन और सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा दौरे किए। मुमताज तारिर ने इंसानी हकूक कौंसल पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से जनरल परवेज मुशरफ के दौरे हकूमत में जावेद हाशमी, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए भरपूर जिद्दोजहद की, जिस पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन्हें दुबई से शुक्रिया के खत भेजे। जहांगीर बदर ने मुमताज तारिर से मुलाकात की, बेनजीर की तरफ से शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया। आसिफ अली जरदारी ने रिहाई के दिन ही अडियाला जेल से फोन करके मुमताज अहमद तारिर का शुक्रिया अदा किया। अगर बात की जाए अदलिया बहाली तहरीक की, तो नवंबर 2007 में अदलिया और चीफ जस्टिस की बहाली के लिए तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया, जिस पर मुमताज अहमद तारिर को 3 दिन के लिए मंडी बहावुद्दीन की जेल में रखा गया और फिर रात के 1 बजे पुलिस वैन पर बैठाकर टोबा टेक सिंह जेल में 3 माह के लिए बंद कर दिया गया। 2007 में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद आए, इस मौके पर मुमताज तारिर को गिरफ्तार करके 4 दिन तक मंडी बहावुद्दीन हवालात में बंद रखा गया, ताकि वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल ही ना कर सकें। मुमताज तारिर बुनियादी इंसानी हकूक और जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद के लिए जनरल अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो और मुशरफ के दौरे हकूमत में कई बार जेल में रहे। 1994 में नवाज शरीफ की काल पर पहिया जाम हड़ताल के दिन मंडी बहावुद्दीन में मुमताज तारिर की क्यादत में जबरदस्त रैली निकाली गई, जबकि खवातीन रैली की क्यादत मुमताज तारिर की अहलिया ने की। पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया, मुमताज तारिर को गिरफ्तार करके 1 माह के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी में बंद कर दिया गया। अगर बात की जाए तहरीक निजात की, तो नवाज शरीफ की काल पर मुमताज तारिर ने तहरीक निजात में भरपूर हिस्सा लिया। उस दिन मंडी बहावुद्दीन में मुकम्मल हड़ताल रही, मुस्लिम लीगी कारकुनों ने जबरदस्त रैली निकाली। 14 फरवरी 1995 को मुमताज तारिर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज लाई, शेख रशीद और दीगर लीडरान की गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों वकला के साथ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे की क्यादत की, अपोजिशन मेंबरान बाहर निकल आए, इजलास मुलतवी हो गया। नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में मुजाहरा करने पर मुमताज अहमद तारिर का शुक्रिया अदा किया।
आप इंसानी हकूक काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन, काउंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन, कौमी असम्बली में पार्लियामानी अपोजिशन के सेक्रेटरी जनरल, पाकिस्तान बरतानिया पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के वाइस चेयरमैन और बैन अल-अक़वामी तंजीम हेग अपील फॉर पीस न्यूयॉर्क के कंसल्टेंट भी रहे। सियासी कैदियों की रिहाई की जिद्दोजहद पर अक़वामे मुत्तहिदा ने उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा। मुमताज़ अहमद तारिक ने मार्शल लॉ के इकदामात को जायज़ करार देने वाली 8वीं आइनी तरमीम के हक में भी वोट ना दिया। इसी तरह सदर की तरफ से 1973 के आइन में यकतरफा तरमीम के खिलाफ कौमी असम्बली में सबसे पहली और वाहिद तहरीक इस तहरीक इस्तेहकाक मुमताज़ तारिक ने ही पेश की। बढ़ती महंगाई, रिश्वत सतानी के खिलाफ भी पहली करारदाद आपने ही पेश की। उन्होंने ये करारदाद भी पेश की कि जिन गरीबों के पास मकान नहीं, हुकूमत उन्हें प्लाट या मकान दे। मुमताज अहमद तारिक एक रिवायती किस्म के इलाकाई सियासतदान नहीं, वो कभी अपने साथ लोगों का हजूम लेकर नहीं चलते। उन्होंने कभी अपने साथ गनमैन या बॉडीगार्ड नहीं रखा। वफाकी वजीर होते हुए भी अपने साथ पुलिस की गाड़ी और पुलिस गार्ड्स नहीं रखे। वफाकी वजीर का सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लिया, अपनी कार पर सब्ज झंडा नहीं लहराया, अपनी सियासत को कभी भी कारोबार और रोजगार का जरिया नहीं बनाया। 50 साल से ज्यादा अरसा सियासत में रहे, 4 दफा MNA बने, 2 दफा वफाकी वजीर और वजीर आजम के मुआवने खसूसी रहने के बावजूद खुदा के फजलो करम से उन पर आज तक कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लग सका। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुमताज़ तारिक को सेहत दे, वो हलके की आवाम की खिदमत करते रहें और हलके की आवाम के लिए मजीद अपनी कोशिशें जारी रखें। मुमताज़ अहमद तारिक मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। वो एक दानश्वर मुहक्क भी हैं। कौमी मसाइल पर उनके फ़िक्र अंगेज़ मजामीन रोज़नामा जंग और दूसरे अखबारात में शाया होते रहते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मुमताज़ तारिक को लंबी ज़िंदगी दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और वीडियो के मुतल्लिक़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें।